टेबू देखा है, वही देखने जा रही हूँ। ओके, पर ये इरफान खान बहुत अच्छी, उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जी भट्ट कैंप की नहीं है एक्चुअली, विक्रम भट्ट जो है वो राइटर है, फिल्म जो है वो टी सीरीज की। मैं कुछ नहीं बता सकती, मैं कुछ नहीं बता सकती आपको। सलमान खान के बारे में बात करते, वो तो अभी हट चुका है ना, तो मतलब जो टेंशन थी वो तो अभी फिलहाल ख़त्म हो चुकी है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ऑब्वियसली जो इंसान को इतने लोग प्यार करते हैं उसको कुछ नहीं हो सकता है, और सोसाइटी के लिए उनका जो ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट, वो काफ़ी कुछ कर रहा है। सो इट्स अ गुड थिंग एक्चुअली। और जो उनके ऊपर जो कन्विक्ट हुए थे और उनके बाद उनके ऊपर जो सेंटेंस का जो लगाया था वो हट चुका है, तो वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा खुशी देती है। वी जस्ट हैप्पी दैट ही इज़ आउट एंड वी होप दैट ही कंटिन्यूज डूइंग द गुड वर्क फॉर द सोसाइटी ही डज इट। पिछले 10 साल में सलमान ने इतने अच्छे काम किए कि मतलब अगर वो एक्सीडेंट को अगर भूल जाते तो उन्हें क्या सरकार को माफ़ कर देना चाहिए। सी एक्सीडेंट कोई भी बंदा ना जानबूझ के नहीं करता है। एक्सीडेंट बताया गया था, एक्सीडेंट का मतलब ही होता है जो गलती से हो जाता है। तो आई मीन हाँ, पनिशेबल ऑफेंस है, आपको पनिशमेंट मिलती है वो चीज़ के लिए, पर सामने वो इंसान ने इतना काफ़ी कुछ करा है सोसाइटी के लिए, तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग दैट द गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर एंड यू नो टेकन इनटू कंसिडरेशन। दैट्स इट, थैंक यू।